हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में ब्रैग्स लॉ को स्टडी करने वाले हैं, साथ ही में ब्रैग्स इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम दो लॉ देखते हैं आपके ब्रैग के। पहला आपके पास है द एक्सरे डिफ्रैक्टेड फ्रॉम एटम्स इन क्रिस्टल प्लेन ओबे द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिगर देखो, आपके पास दो पैरेलल क्रिस्टल प्लेन्स है, ठीक है, जो आपके स्मॉल डी से सेपरेटेड है। इसमें आपके जो एटम्स है वो आपके इक्वल डिस्टेंसेज से अपार्ट है। ऊपर वाले को हमने ग्रीन से शो कर रखा है और नीचे वाले को हमने ब्लू डॉट से शो कर रखा है। तो जब आपकी एक्सरे की बीम इंसिडेंट कर रही है किसी पार्टिकुलर क्रिस्टल प्लेन पर, मान लीजिए आपके ऊपर वाले क्रिस्टल प्लेन पर आपकी इंसिडेंट कर रही है बीम पॉइंट ए पर, तो यहाँ से आपकी रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड एक्सरेज है। ठीक है, तो जो आपका ये एंगल थीटा, इसे हम कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। वैसे अगर हम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो जो आपका नॉर्मल था सरफेस के और जो आपका इंसिडेंट रे था, हम उसके बीच वाला एंगल लेते थे। ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे का बीच वाला हम एंगल कंसिडर करते थे। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो आपका एक्सरे का जो इंसिडेंट रे है और जो आपकी सरफेस है, हम उसके बीच वाला एंगल ले रहे हैं। ठीक है, रीज़न क्या है उसका, जो आपकी एक्सरे की बीम है वो आपकी नियरली पैरेलल होना शुरू हो जाती है सरफेस के, देयरफॉर हम वाला एंगल कंसिडर करते हैं, ना कि वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द टू रेज रिफ्लेक्टेड बाय सक्सेसिव प्लेन्स विल बी इन फेज इफ द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकेंड रे इज एन इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ। तो क्या कह रहा, द टू रेज रिफ्लेक्टेड बाय सक्सेसिव प्लेन्स विल बी इन फेज। वो कह रहा है आपकी जो दो रे रिफ्लेक्ट कर रही है सक्सेसिवली, ठीक है, वो आपकी फेज में तभी होगी इफ द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेकंड रे। जो आपकी सेकंड रे एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कहने का मतलब यहाँ आपका सी बी प्लस बी डी या आपकी एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। तो ये जो आपकी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, अगर ये आपकी इंटीग्रल नंबर हो वेवलेंथ के, ठीक है, अगर ये आपकी इक्वल हो जाए इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ के, तभी आपकी ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है आपकी फेज पर होगी। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर, कि जो आपका एक्स्ट्रा जो इसने ट्रेवल किया डिस्टेंस वो कितना है, सी बी प्लस बी डी। ठीक है, तो लॉ के हिसाब से क्या कह रहा है, वो आपका इंटीग्रल नंबर होना चाहिए वेवलेंथ के। तो कहने का मतलब किसकी इक्वल हो जाएगा, एन लेमडा का। ठीक है, इसको हम ले देंगे फर्स्ट इक्वेशन से ना। तो बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं कि जो आपका सी बी और बी डी है ये आपका इक्वल है। ठीक है, जो सी बी और बी डी है ये आपका इक्वल है, तो सी बी इक्वल्स टू बी डी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इन ट्राइंगल ए बी डी पर, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी और डी पर हम देखें, तो देखो अगर इसमें साइन थीटा अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा आपका यहाँ बी डी, और हाइपोटेन्यूस कितना होगा ए बी। ठीक है, तो बी डी अपॉन ए बी, तो ये कितना आ जाएगा आपका, बी डी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। और बी डी आपका किसकी इक्वल है, बी डी आपका सी बी के इक्वल है, तो ये कितना आएगा आपका, इक्वल्स टू सी बी। ठीक है, तो सी बी इक्वल्स टू बी डी हो गया आपका, यहाँ से देखो फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एन लैम्डा इक्वल्स टू टू टाइम्स ए बी साइन थीटा। ठीक है, कितना आ गया देखो आपका, एन लैम्डा इक्वल्स टू टू ए बी साइन थीटा, और ए बी क्या था आपका, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, क्रिस्टल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस हो गया। तो कितना आ जाएगा आपका, एन लैम्डा इक्वल्स टू टू टाइम्स स्मॉल डी और साइन थीटा। तो ये आ गया आपकी ब्रैग्स इक्वेशन, और एन होता है आपका यहाँ ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि अगर आपका एन की वैल्यू वन होगी तो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन होगा, एन की वैल्यू टू होगी तो सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन होगा, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये है आपकी ब्रैग्स इक्वेशन, एन लैम्डा इक्वल्स टू टू डी साइन थीटा, जहाँ डी आपका क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्टल प्लेन्स, और जो थीटा आपका है वो है आपका ग्लांसिंग एंगल। ठीक है,